हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मृता इंग्लिश एकेडमी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वॉवल्स, कंसोनेंट्स और सेमी वॉवल्स क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम है स्मृता, वेलकम टू स्मृता इंग्लिश एकेडमी। एंड इफ आर यू न्यू हेयर सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट इन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ए ई आई ओ यू इन फाइव लेटर्स को ही वॉवल्स बोला जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि इन्हें ही वॉवल्स क्यों बोलते हैं, इन्हीं फाइव लेटर्स को वॉवल्स हम क्यों बोलते हैं? तो चलिए फिर जानते हैं। तो जैसे हम किसी बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई घर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिक सी क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको, उसके लिए सबसे पहले आपको दीवार बनाना पड़ेगा, ठीक है, घर बनाने के लिए। और दीवार बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए, किसी लैंग्वेज के लिए हमें किसी सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। और सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड से बनता है। और वर्ड हमारा किससे बनता है? लेटर से बनता है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि लेटर से कोई छोटी इकाई नहीं होती है, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, लेटर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी आर राइट एन इंग्लिश वर्ड इन नोज एस लेटर, ठीक है। तो इसका मीन्स होता है कि सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जिसकी मदद से हम किसी वर्ड को लिखते हैं उसे ही एक वर्ड कहते हैं, ठीक है, बनता है उसे हम वर्ड कहते हैं। तो चलिए फिर समझते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है और अल्फ़ाबेट और लेटर्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये जो हमारे ए बी सी डी ये है, ये इसको हम बोलते हैं लेटर। और ए बी सी डी ई एफ जी पूरा इसको जेड तक जो हो जाता है, पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। जब ये पूरा ग्रुप में रहेगा तभी हम इसको अल्फ़ाबेट बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको लेटर बोलेंगे। अगर अकेला ए है तो हम उसको लेटर बोलेंगे, बट अगर ए से पूरा जेड तक लिखा हुआ है तो हम उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे ए ई आई ओ यू है पांच, इसको हम वॉवल्स बोलते हैं। और उसके बाद जो भी बचता है उसको हम कंसोनेंट बोलते हैं, ठीक है। बी सी जो भी है जेड तक लेकर उसको हम कंसोनेंट बोलते हैं। हमारे अल्फ़ाबेट में होते हैं 26 लेटर, ठीक है, 26 में फाइव वॉवल्स, बाकी के जो बचते हैं उसे हम कंसोनेंट बोलते हैं। अगर आप अल्फ़ाबेट की डिफिनेशन देना चाहते हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए सेट ऑफ लेटर और सिंबल इन फिक्स्ड ऑर्डर यूज टू रिप्रेजेंट द बेसिक सेट ऑफ स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज इज नो एज अल्फाबेट, जिसको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, ये पूरा ग्रुप हो गया हमारा अल्फ़ाबेट का। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि ए से लेकर पूरी जेड तक जो सीरीज होती है वो होती है अल्फ़ाबेट। वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, तो ये हमारे वॉवल्स हो गए। अब इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि साउंड में कि कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा वॉवल है, ठीक है। वॉवल को हिंदी में बोलते हैं स्वर और अल्फ़ाबेट को बोलते हैं व्यंजन, ठीक है, सिंपल तरीका। अब मैं जैसे आपको बोल के बताती हूँ साउंड कि अल्फ़ाबेट का कैसा साउंड होगा और वॉवल्स का साउंड कैसा होगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा बोलने में, बट बोलना ज़रूरी है आपको समझाने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा हो गया ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये जो सारे साउंड्स निकले हैं वो हमारे गले से निकलते हैं। आप लोग भी एक बार ट्राई करिए, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ये सारे साउंड्स गले से निकलते हैं, ठीक है। अब जैसे व्यंजन, ठीक है, उनको देख लेते हैं, कंसोनेंट्स, बी लिप्स टकराया, ठीक है, सी ये हमारी टंग ऊपर को टकराई,
डी ये ट्विस्ट होके हमारे तालू पे टकरा है। पर बॉबल में ऐसा नहीं है, बॉबल की आवाज हमारे गले से निकलती है, ए ई आई ओ यू, बट कॉन्सोनेंट की बी सी टंग यहाँ से टकरा रही, डी ऐसे ट्विस्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉबल और कॉन्सोनेंट की पहचान कर सकते हैं। अब हो गया सेमी बॉबल, ठीक है। सेमी बॉबल को हम जो हमारे कॉन्सोनेंट में डब्लू और बाई हैं उनको हम सेमी बॉबल कहेंगे। इनकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए बर्क, ठीक है, डब्ल्यू ओ आर के, ये हो गया कंसोनेंट क्योंकि ये हमारी टंग से हो रही है, बर्क बर्क बर्क। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं बॉलर, बी ओ डब्ल्यू एल ई आर, बॉलर बॉलर, यहाँ पे डब्ल्यू जो है ओ का साउंड दे रहा है, बॉलर, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया बॉबल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रो, क्रो मिस कौआ, सी आर ओ डब्ल्यू, ठीक है, क्रो, यहाँ पे डब्ल्यू ओ का साउंड दे रहा है ना कि डब्ल्यू का आ रहा है, क्रो क्रो क्रो, टंग यहाँ से आवाज आ रही क्रो क्रो, ठीक है, ये भी हमारा बॉबल है। बाई को देख लेते हैं येलो, बाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो बंद हो रहा है ना, येलो। यहीं पे देखते हैं हाइड्रोजन, येलो जो है हमारा कंसोनेंट है, हाइड्रोजन एच बाई डी आर ओ जी ई एन, हाइड्रोजन बाई आ रहा ना, हाइड्रोजन, यहाँ पे कहीं पे पता चल रहा हाइड्रो ओ का साउंड हो रहा, हाइड्रोजन, तो ये हमारा बॉबल हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट बीजी, बी यू एस बाई बीजी, लास्ट में आ रहा बाई ई का साउंड देख रहा, बीजी, तो ये हमारा बॉबल हो गया, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, अगर मान लीजिए डब्लू और बाई अगर सेंटेंस के बीच में, वर्ड के बीच में आता है तो ये बॉबल हो गया, अगर स्टार्टिंग में आता है तो कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। बर्क बाउल क्रो येलो हाइड्रोजन बीजी, आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत ही इजी था। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा ये वीडियो, बट अगर आप नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुके हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।